से सटे गाजियाबाद में एक शख्स के उस वक्त होश उड़ गए जब उसको पता चला कि उसका 17 साल का बेटा जिम के बहाने नमाज अदा करने जाता था और धर्मांतरण भी कर लिया। मामला गाजियाबाद के कवि नगर का बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार युवक ने भगौड़े जाकर नाइक से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को कबूल किया है। पिता का आरोप है कि बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। सूत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है कि जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाला युवक ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मुंबई के किसी शख्स के संपर्क में आया था जिसने उसका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करवाया। जानकारी के मुताबिक लड़के के लैपटॉप और मोबाइल से दूसरे धर्म की वस्तु भी प्राप्त हुई है। वहीं पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक मुंबई के बद्दो नाम के शख्स के संपर्क में था। वो घंटों घंटों उससे बातें करता था। इसके बाद उसने युवक को मेल और व्हाट्सएप के जरिए धार्मिक सामग्री भेजना शुरू कर दी। इसके बाद शख्स ने लड़के का ब्रेन वॉश कर और धर्मांतरण करवाया। आपको बता दें कि युवक जिम का रोज बहाना करके घर से निकलता था। एक दिन पिता को इस बात की भनक लगी और उसने उसका पीछा किया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका बेटा मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। इसके बाद पिता ने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं SP कबीरनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।